हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंचे दिख रहे विराट के बघेले बुलेटिन सोनू के संगे। खबर रीमा से हवे, जहां स्वास्थ्य विभाग के जांच टीम कई अठे नर्सिंग होम और सोनोग्राफी सेंटर में दबिश दिहिनता उहां हड़कंप मचेगा। आयुष्मान भारत योजना के नाम में भय धोखाधड़ी के बाद प्रशासन अलर्ट हुई गा हवे। बतावा गा के जांच टीम में अर्बन नोडल ऑफिसर रीवा डॉक्टर केपी गौतम, आयुष्मान अधिकारी पंकज शुक्ला और आशुतोष तिवारी संगे में रहे। रीवा के रेडक्लिफ पैथोलॉजी में टीम पहुंची तो उन्हें बहुत अव्यवस्था देखे का मिली। जांच के बाद संचालकन का नोटिस दीन का हवे। अगली खबर रीमा से हवे, जहां रीमा में कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव का लेके राजस्व और पुलिस अधिकारी के साथ एक बैठक भय रही, जेमा बतावा गा के सब जने मतदान केंद्र के भ्रमण कैला, मतदान केंद्र के व्यवस्था निश्चित कैला, कौनो मेर के गड़बड़ी न हो पावे। खबर रीमा से हवे, जहां वार्ड नंबर 11 से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पत्रकार अनीता पांडे अपन नामांकन दाखिल करीन हमा। आई अपना पंचन का सुनाई थी अनीता पांडे का कहीन। वैसे मेरा वार्ड 11 है, 11 वार्ड के अगर मेरे निवासी जीतते हैं वो सारे अगर मुझे विजयी बनाते हैं तो मेरी पहली प्राथमिकता रहेगी कि वार्ड में मीठे नल का कनेक्शन हर घर में होना चाहिए और पार्क की व्यवस्था नहीं है तो पार्क की व्यवस्था मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी। और अपने वार्ड के लोगों के लिए जैसे छोटे बड़े कार्यक्रम, जगह का अभाव होता है तो मैं यही चाहूँगी कि जो वहाँ पे अपने पास कोई ऐसी जगह होगी उसको कम्युनिटी हॉल एक बना के लोगों को एक मुहैया कराऊँगी। उसमें लोग अपने छोटे बड़े कार्यक्रम या कोई भी त्यौहार या कोई भी इंगेजमेंट या बर्थडे पार्टी उस पर अपना मना सकें। और साथ ही मैं ये चाहूँगी कि अपने यहाँ जितने वार्ड में कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है जिस तरफ, और लोगों के पास बाकी सारी सुविधाएं तो मिलती हैं, संपन्न वार्ड है अपना, लेकिन मैं चाहूँगी कि जिनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं वो सारी सुविधाएं दिलाने की कोशिश करूँगी। खबर मऊगंज से है भाई, जहाँ बगावत के किस्सा सब चुनाव और दलन में होत हवे, पर भाजपा में यह समय टिकट बांटाई कर लय के कार्यकर्ता बिगड़े हमा। सबसे ज्यादा गुस्सा बाहर के लोगन का टिकट दे से हवे। बतावा जात है कि टिकट न मिले से बिगड़ के भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश वर्मा अपने पार्टी से इस्तीफा दे दी। उन्हें विधायक के नियरे रहाई वाले वकील ब्रजवासी पटेल निर्दलीय से अपन नामांकन भरी हमा। किस पार्टी से नामांकन दाखिल? हमने तो निर्दलीय दाखिल किया। आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे? जी जी। तो निर्दलीय दाखिल करने की वजह क्या है? हमारा जो मानना है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के हिसाब से, अथवा उनको कहीं ऐसा लग रहा था, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के मऊगंज के विधायक रहे हों तो चाहे उनके जो बहुत नज़दीकी करीबी लोगों के द्वारा, यह उनके मन में भ्रम बैठा था कि हो सकता है कि अगर ताकतवर व्यक्ति को हम नगर पंचायत परिषद का अध्यक्ष बनाते हैं तो आने वाले समय में हो सकता है कहीं ना कहीं हमें दिक्कत हो। आज आप नामांकन दाखिल किए हैं? जी। किस पद के लिए? पार्षद पद के लिए। किस वार्ड से? 14 वार्ड से। किस पार्टी से? निर्दलीय। आप भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी थी और पार्षद भी थी? जी। क्या वजह है कि निर्दलीय पर्चा दाखिल करना पड़ रहा है? ये हमारे विधायक के तानाशाही से हमको ये करना पड़ रहा है। अब विधायक जी के जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके सबके, आप इसके लिए विधायक जी को जिम्मेदार ठहराती हैं? जी, क्योंकि 5 साल हो गया, विधायक जी हमको पूरा अनुशासन दिए थे और हमको अभी परसों हम रीवा गई थी और विधायक जी से मिली थी, बोले कि आप जाओ हरी झंडी लेके जाओ और प्रचार करो क्षेत्र में। सीधी में पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एक ठे अभियान चलाए के 1200 नशीली कप सिरप के खेप लई जा दुठ आरोपी का पकड़ लिहन हमा। और बतावा जात है कि दुठे भागे हुए, उनके लगे से 2,10,000 कप सिरप के संगे 5,00,000 कीमत के बुलेरो जब्त कैलीन गए हवे। खबर रीमा से हवे, जहां कांग्रेस का छोड़ के आप पार्टी में शामिल भी इंजीनियर दीपक सिंह अपने समर्थकन के संगे महापौरी के पर्चा भरीन हमा। हम आम आदमी पार्टी के लोग हैं, आम आदमी के मुद्दे लेके हम जनता के बीच में जा रहे हैं और आज ये दीपक सिंह सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहा, ये रीवा का आम जनमानस, जो रीवा का आम आदमी है चाहे वो किसी भी जाति वर्ग का है, वो चुनाव लड़ रहा है।
खबर रीमा से है भाई, जहां जिला में चुनाव के सरगर्मी तेज हो गई है। यह बिर की चुनाव में जनता कौने आधार में वोट दे एखा लेके नई गढ़ी जनपद पंचायत के वार्ड नंबर 10 के गांव वालिन से बात कीन गए। बताएं कि उपंचे ओहिन प्रत्याशी का वोट दे ही जे उनके सुख दुख में खड़ा रही। जो विकास का काम करेगा उसी को वोट देंगे। मुद्दा यह है कि न हमको आवास मिला, न गोटा में गल्ला मिलता है, न पानी कोई सुविधा है, न हमारे पास बगल में अगर कोई हैंडपंप है, न कोटा में गल्ला मिलता है और न हम लोगों को आवास मिला। हम लोगों के पास ज़मीन सिर्फ 25 डिसमिल से 30 डिसमिल के बीच में हो गया। हमारे गांव की समस्या दूर हो और जो अच्छा आदमी हो वही जीते और जो सुख दुख में शामिल रहे उसी को हम लोग वोटिंग करना चाहते हैं। जनपद में तो नृपेंद्र सिंह को और हम लोग चुन रहे हैं। खबर रीमा से है भाई, जहां रीवा जनपद पंचायत के खड्डा ग्राम पंचायत खामहा में आचार संहिता के उल्लंघन करे के मामला सौहे आबा हवे। जहां कोटेदार का राशन बांटे का बैठावा गहबे पर इहन राशन बांटे के नाम में दबाव बनाए के राजनीति में बूढ़े रहा था। देखिए, हम लोग ग्राम पंचायत खामहा से आए हैं और ग्राम पंचायत खामहा में जैसा कि विदित है आज के टाइम पे चुनाव चल रहे हैं, हर पंचायतों पे चल रहे हैं, हमारे यहाँ भी चल रहे हैं। हमारे यहाँ पे कोटेदार हैं जो उचित मूल्य की जो दुकानें हैं शासन की खोली गई हैं उन पे जो सेल्समैन बैठते हैं, कोटेदार हम लोग देसी भाषा में बोलते हैं, जो कोटेदार हैं पिछले 5 साल से वहाँ पदस्थ हैं और पदस्थ तो है ही हैं, लेकिन उनको पूरी आबादी को ऐसा उन्होंने कर रखा है कि जो भी राशन पानी की दे रहे हैं शासन की सुविधाओं को कुछ ऐसा उन्होंने उनको भ्रमित कर रखा है कि अपने घर से दे रहे हैं। पूरी की पूरी आबादी जो है वो ऐसे दबाव में रहती है कि यदि कोटेदार जहाँ कह रहे हैं वहाँ वोट देना पड़ेगा। कोटेदार का जो मुद्दा मेन है, राशन की दुकान तो एक केवल प्रतीकात्मक उनका काम है, बाकी मेन काम उनका है चुनावी चीज़ों को मुद्दा रहता है। चुनाव है, वोट है, वोट यहाँ दो, पर्चा कौन भरे कौन न भरे, किसका पर्चा निकलवा देना है, किसका पर्चा क्या करना है। उनके पिताजी पुराने सरपंच भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी राजनीति करते हैं, आज के टाइम पे भी प्रत्याशी उन्होंने एक अपना कर रखा है। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के संगे। नमस्कार।